लंदन दे विच भारतीय झंडे का होया अपमान। पहला सुटिया गया गौमूत्र, फिर झंडे नू लगाई गई अग। तुसी वेख रहे हो द टीवी एनआरआई। मैं हां गरिमा, बेहद ज्यादा हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। जी हां, दसी है कि तिरंगे झंडे का अपमान किया गया। इन्ना ही नहीं, सब तो पहला तिरंगे झंडे के उपर गौमूत्र सुटिया गया, तो उस तो बाद उसनू अग लगाई गई। बेहद ज्यादा हैरान करने वाला यह मामला सामने आया, जिथे कि दस दिए कि प्रधानमंत्री नूं चुनौती तक दी गई है। जी हाँ, दस दिए कि यह सारा कुछ ब्रिटेन के लंडन दे विच होया है, अंबैसी तो बाहर जिथे जम के हंगामा किया गया। गर्म ख्यालियां दे वलों सिख फॉर जस्टिस दे प्रधान का हाथ इस दे विच आउंदा है। जी हाँ, दस दिए लगातार ही वड्डियां खबरां सामने आ रही ने कि कैनेडा दे विच, यूके दे विच लगातार ही खालिस्तानी समर्थकों के वलों विरोध किया जा रहा है तिरंगे झंडे का, जिस तो बाद हुण हैरान करन वाला मामला सामने आया कि जिथे तिरंगे झंडे का इस कदर अपमान किया गया। पहला झंडे के उपर गौमूत्र सुटिया गया, फिर उसनू अग लगा दी गई। जी हाँ, इस नाल ही दस दिए ब्रिटेन की राजधानी लंडन के 2 अक्टूबर को घटना वापरती है। इस नाल ही खालिस्तानी समर्थक वालों भारतीय हाई कमिशन के बाहर जम के प्रदर्शन किया गया। हंगामा इस कदर वध जांदा है कि खालिस्तानियों ने ना सिर्फ भारतीय तिरंगे नूं अग लगाई, सगों घोर निंदाया भी। भारतीय संगठन सिख फॉर जस्टिस, माफ करना, अतवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के नाल जुड़ी जथेबंदी दल खालसा यूके के मुख आगू गुरचरण सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय झंडे उत्ते गौमूत्र पा के हद पार कर दी। खालिस्तानियों ने भारतीयों की भावनावां नूं इस तरह ठेस पहुंचाई जिस दे विच कोई भी कसर बाकी नहीं सी। बाद दे विच पीएम ऋषि सुनक नूं ब्रिटिश गौमूत्र पीण दा चुनौती दे के माहौल होर गरमा दिता। इस दौरान मौके उत्ते मौजूद भारतीयों ने तिरंगे के सम्मान दे विच उत्थों झंडा उतार दिता। इस घटना दे विच खालिस्तानी टाइगर फोर्स के मैंबर परमजीत सिंह पम्मा का हाथ सामने आया। सारी घटना उसकी मौजूदगी दे विच वापरी है। कैनेडा दे विच एक पासे दा जिथे कह लिए हरदीप सिंह निज्जर दा कतल नूं लै के ट्रूडो दे वल्लों जो कह लिए भारत सरकार दे हाथ लगाए गए कि उसके पिछे कतल दे पिछे जिहड़ा भारत दी खुफिया एजेंसियां काम कर रही सी, उसनों लैके यह विवाद होर पकता हुआ नज़र आ रहा। तस्वीर काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। लगातार ही कह लिए कि विदेश के भारतीय झंडे का अपमान खालिस्तानी समर्थकों के वलों रुक नहीं रहा। यह पहला मामला नहीं है, पर उत्ते ही हुण चुनौती पीएम नूं उत्थे दे नूं दित्ती गई है, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है। जिते एक पासे भारत ते कैनेडा दे विच तनाव वधदा जा रहा, हुण यह तनाव यूके दे विच भी देखण नूं मिल रहा है। किस तरीके दे नाल यूके दे विच इस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे। हालांकि जो ऋषि सुनक G20 सम्मेलन के दौरान भारत के आए सन, तो उन्होंने कहना सी कि असी इन्ना क बर्दाश्त कर सकते हैं कि जेकर तुसी किसी चीज़ को समर्थन देनी है, जेकर तुसी किसी चीज़ का समर्थन करते, चाहे वह खालिस्तानी हो या फिर किसी होर संबंध के नाल हो, शांतिमय तरीके दे नाल कर सकते हो। पर जेकर तुसी विरोध करोगे या तोड़ भन करोगे, वह असी बर्दाश्त नहीं करांगे। जिस तो बाद हुण यह मामला देखने को मिलिया है, उस तो बाद मौके पर ही कह लिए कि जड़ा दस दिए कि गिरफ्तारी भी उत्थे मौके पर की गई है, उसकी हाले स्पष्टीकरण नहीं दसिया गया है। इस तो पहले बरतानिया भी भारतीय हाई कमिशन विक्रम दोराही वासी खालिस्तानी समर्थकों ने घेर लिया, तो उन्होंने गुरु घर के मत्था टेकन के लिए जाने तो मना किया गया। दस दिए कि परमजीत सिंह पम्मा कौन है, एक खालिस्तानी अत्तवादी है। पम्मा खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाल जुड़िया होया, उसनों नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मोस्ट वॉन्टड सूची के रख्या गया। इस दे नाल ही गुरचरण सिंह जड़ा कि उत्थे मौजूद हुंदा है, उसके बारे भी दस दिंदे हैं। आगू दल यूके का सरगर्मी के नाल जुड़िया है। गुरचरण दीआं कारवाइयां अते बयानां दे अक्सर विवादां नूं कह लिए जन्म दिता है। दस दिए कि गुरचरण अते पम्मा दे गठजोड़ अते लंडन दे विच खालिस्तानी समर्थकां दे पाकिस्तानी हाई कमिशन दे संबंधां ने चिंतावां वधा दित्तियां। दरअसल भारत अते पाकिस्तान दे संबंधां दे विच पहलां तों ही तनाव वधदा जा रहा। पाकिस्तान वल्लों भारती विरुद्ध काम करन वाले तत्तां नूं पनाह देण वाले, हल्लाशेरी देण वाले मामले अक्सर ही सामने आउंदे ने, पर इह काफ़ी ज़्यादा चिंता दा विशा है। जिस तरीके दे नाल विदेश भारतीय तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, उसनों अग लगाई जा रही है, तो उसके गौमूत्र सुटिया जा रहा है। इस वेले की वड्डी ते अहम खबर है, जिसते कह लिए राजनीति भी पक्ख दी हुई नजर आ रही है। इस तरीके दी वड्डियां ते ताजिया खबरां देखने के लिए जुड़े रहो टीवी एनआरआई के नाल।